हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। ललिता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हाफ अंडा फ्राई, जिसको अंडा करी या हाफ अंडा करी भी आप बोल सकते हो। इसके लिए हमने 6 अंडे वो लिए हैं, अच्छे से इन्हें उबाल लिया है और अंडों को हमने अच्छे से देखिएगा, एक अंडे को हमने 2 पीस में कर लिया है और इसके बीच वाला जो भाग है, पीले वाला भाग, वो हमने अलग कर लिया है और एक अंडे को हमने छोटे छोटे पीस में देखिएगा, छोटे छोटे पीस में काट लिया है। आप और बारीक भी इसे काट सकते हैं तो काटें। और लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट हम इसके लिए लेंगे। देखिएगा, ये जो अंडा हमने जो निकाला था, अंडे के अंदर सा पीले वाला भाग, ये हमने अलग कर लिया, ये हम इसी सब्जी में डालेंगे। इसमें हम थोड़े से मटर भी डालेंगे, इससे इसका टेस्ट है वो काफी लाजवाब और टेस्टी हो जाएगा। ये देखिएगा, लगभग हमने 100 ग्राम है वो मटर लिए हैं, हरे मटर। एक हम चम्मच लेंगे नमक, हरी मिर्ची लेंगे हम, धनिया पाउडर लेंगे हम 1.5 चम्मच के लगभग, 1.5 चम्मच हम मिर्ची पाउडर लेंगे, 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर लेंगे और टमाटर का पेस्ट। ये देखिएगा, मैंने 2 बड़े टमाटर का पेस्ट लिया है, फ्रेश टमाटर का जो जूस है वो मैंने निकाला है मिक्सी की सहायता से। चलिए अब चलते हैं कढ़ाई की ओर। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें ये अंडे हम डालेंगे और थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देंगे। अंडे का बीच वाला जो भाग है आप अच्छे से निकाल लें और इन्हें थोड़े हल्के तेल में फ्राई करेंगे हम। आप ध्यान रखें, तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है आपको। ये देखिएगा, सारे जो पीस हमने लगभग 10 पीस हमें हम इसमें डाल देंगे और एक तरफ से फ्राई होने के बाद हम इसे पलट देंगे। देखिएगा, टूटने नहीं चाहिए, तो ध्यान रखें आप। ये देखिए, हमने इनको पलट दिया है। ये देखिएगा, अंडे हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए आप, लगभग सारे अंडे, इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेंगे सारे अंडों को। देखिए, अंडों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम जो हमारी ग्रेवी है, यानी कि जो करी है, वो तैयार करेंगे और इसी तेल का हम प्रयोग करेंगे। ये देखिएगा, तेल हमारे पहले से गर्म है तेल हमारा। इसमें थोड़ा सा जीरा हम डाल देंगे, ये देखिए, और गैस का फ्लेम हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और ये डालने के बाद हम लोग इसमें जो हरी मिर्च है वो डालेंगे, ये देखिए, और अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि जो जीरा हमारा तड़क जाए। और देखिएगा, इसमें जो अंडे का जो अंश थोड़ा रह गया था, इसलिए थोड़े से जो तेल है उसमें उबाल थोड़ा आ रहा है, अपने आप सही हो जाएगा ये। इस तरीके से आप अंडे की जो करी है, हाफ अंडा फ्राई करके करी बनाएं, बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बनेगी। देखते रहना आप, वीडियो में लगातार बने रहें। ये जो हमारा तेल है वो फ्राई हो चुका है, इसमें सारे मसाले हम अच्छे से पानी में भिगो करके डालेंगे। आप चाहें तो सूखा जो मसाला है वो भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ये देखिए, और अच्छे से इसे हम मिला देंगे। गैस का फ्लेम आप मीडियम रखें, हाई नहीं करना आपको, नहीं लो रखना है। ये देखिएगा, थोड़ी देर में ही ये जो ऑयल है अपना सरफेस पे आ जाएगा। 2 से 3 मिनट तक हम इसे मसाले को फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तेल हमारा सरफेस पे आ चुका है, देखिएगा मसाले में। अब इसमें हमें टमाटर का जो पेस्ट है वो डालेंगे हम और लगातार इसे हिलाएंगे। ये देखिएगा, बहुत ही अच्छा कलर आता है टमाटर से और टेस्ट भी काफी लाजवाब आएगा सब्जी का। इस तरीके से आप जरूर इस रेसिपी को तैयार करें। आप अंडा फ्राई है और किसी के हाथ का खाना भूल जाएंगे, लगातार हिलाते रहें आप। ये देखिएगा, मैंने इसमें प्याज ऐड नहीं किया है, आप चाहें तो प्याज इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट काफी लाजवाब लगेगा। और इसे थोड़ी देर के लिए आप 4 से 5 मिनट तक इसे आप हिलाते रहें, ताकि जो टमाटर का जूस है, यानी मिक्सअप है, वो अच्छे से मसाले में ऐड हो जाए। कब पे लगेंगे,
ये देखिएगा ऑयल हमारा सरफेस पे आ चुका है। अब इसमें हमने मटर के दाने हैं वो डालेंगे हम इसमें, और साथ ही जो हमने अंडे का बीच का जो भाग है वो लिया था तो इसमें हम ऐड कर देंगे और अच्छे से हम इसे मिला देंगे। ये देखिएगा अभी से, क्योंकि अभी तो अंडा फ्राई हमने डाला ही नहीं है, और देखिएगा पहले से काफी लाजवाब। ये देखिएगा अब ये बीच का जो भाग है ये घुल जाएगा इस मसाले में, और उसके बाद ये सब्जी काफी लाजवाब बनेगी। बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है इस तरीके से। ये देखिए ये देखिएगा हम इसमें आधा गिलास गर्म पानी डालेंगे, ठंडा पानी नहीं डालना आपको, गर्म पानी, क्योंकि मसाला हमारा अच्छे से गर्म है और इसी में इसी टेम्परेचर का लगभग हम यदि पानी डालेंगे तो ये ऑब्जर्व कर लेगा अपने आप में, और इसे हम 2 से 3 मिनट तक इसे हम घुलने देंगे, क्योंकि ये सब्जी है ग्रेवी यानी करी, तो करी आपको अच्छी बननी चाहिए आपकी, और करी पे डिपेंड है ये सब्जी। ये देखिएगा थोड़ी सी हम इसे गाढ़ा होने देंगे 2 से 3 मिनट तक। ये देखिएगा सब्जी में अब हम ये जो हमने एक अंडे को छोटे छोटे पीस में डाला था वो इसमें हम काट के रखा था पहले से, इसको हम ऐड कर देंगे इस तरीके से। जरूर आप इस रेसिपी को बनाएं, बहुत ही लाजवाब और टेस्टी रेसिपी। अब हमारी एक चीज और बची है जो मेन चीज है इसमें डालना, जो अंडा फ्राई हमने हाफ अंडा कट कर लिया था और इसको हमने उबाल करके फ्राई करके रखा था, वो इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी आधे मिनट के बाद। ये देखिएगा लगभग हमारी सब्जी बनकर के तैयार है। अब इसमें हम अंडा डालेंगे। ये देखिएगा एक एक करके आप डालें, नहीं तो ये टूटने का डर रहेगा। वैसे तो नहीं टूटेंगे, हमने इसे फ्राई कर लिया अच्छे से। ये देखिएगा कितना लाजवाब टेस्ट इसका लग रहा है। ये देखिए हमने इसमें लगभग सारे पीस वो डाल दिए हैं, और थोड़ा सा हमारा जो लिक्विड बचा था प्लेट में हमने निकाले थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। कितनी लाजवाब और टेस्टी सब्जी दिख रही है ये देखिएगा। एक बार इस तरीके से आप जरूर इस रेसिपी को तैयार करें। ये देखिए आप जो होटल की अंडा फ्राई खानी है वो भूल जाएंगे। और देखिए हमने इसमें कुछ खास चीजें नहीं डाली है, केवल घर में जो चीजें रहती है हमारी वही चीजें डाली है, और यही एक अनुमान रहता है कि हम घर पे कितने अच्छे तरीके से इस चीज को बना सकते हैं, क्योंकि होटल में मिलावटें आती हैं मसालों में तेल में सब में। देखिए मटर डालने से काफी इसका लजीज और स्वादिष्ट टेस्ट आ जाएगा, इसलिए आप मटर यदि सीजनेबल हैं तो जरूर डालें। देखिए सब्जी हमारी बनकर के तैयार है, अब इसे हम प्लेट में सर्व करते हैं। लाजवाब और टेस्टी अंडा करी बनकर के तैयार है। ये देखिएगा बहुत ही लाजवाब, ये देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है इसकी। ये देखिए इस तरीके से आप जरूर इस रेसिपी को तैयार करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और इस तरीके से आप जरूर इस रेसिपी को बनाएं। ये देखिएगा बहुत ही लाजवाब और टेस्टी ये जो अंडा हाफ फ्राई है और करी है वो सब्जी बनकर के तैयार होगी। स्वस्थ रहें, धन्यवाद।